हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आशा करते हो सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ। तो आप सब लोगों को स्वागत है मेरी नास एवरीडे स्पेशल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक पैकेट मैगी लिया है, 3 पैकेट मैगी लिया है, और उसमें डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा सा नमक। अब मैं इसे बॉयल करूँगी, 5 मिनट बाद मैं इसे निकालूँगी। तो फ्रेंड्स, मैगी तो सब बनाते हैं, लेकिन मैं जो बना रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आज का जो रेसिपी है वो खास करके बच्चों के लिए है, बच्चों के टिफ़िन के लिए है। तो जब तक मैगी बॉयल हो जाए तब तक मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, उसमें डाल दिया 1 अंडा। अंडा को अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी, फिर मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा चिकन और 2 हरी मिर्च मैंने काट करके डाल दिया। अब मैं इसे थोड़ी देर फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और सारा दिन स्कूल में रहते हैं, तो सुबह सुबह ज़्यादा खा नहीं सकते। लेकिन ऐसे रेसिपी देने से क्या होता है, उसमें अंडा भी है, चिकन भी है और थोड़ा सा वेजिटेबल भी है, तो बच्चे खुशी खुशी खाते हैं और बच्चों को बहुत एनर्जी भी मिलता है। तो यहाँ मैंने डाल दिया 2 बड़े बड़े ऑनियन बारीक कट करके, थोड़ा सा नमक, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा फ्राई करने से हो जाएगा। बहुत जल्द ये रेसिपी बन जाता है और स्कूल में देने से टिफ़िन में तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा कैबेज, आप चाहे तो और कोई वेज भी डाल सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद भी है। मैं स्टील के जो टिफ़िन है वो मैंने लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी, क्योंकि उसमें गर्म भी रहता है और हाइजीनिक भी होता है। नहीं तो प्लास्टिक के टिफ़िन में देने से क्या होता है फ्रेंड्स, अनहाइजीनिक हो जाता है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक गरम गरम मैगी या कुछ डालने से प्लास्टिक गर्म हो जाता है, तो बच्चों को बीमार भी हो सकता है। और ऐसे भी प्लास्टिक हमें बंद करना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे सरकार ने भी ये कोशिश जारी की है कि प्लास्टिक बंद करने से अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कैसे हम किस तरह का टिफ़िन यूज़ कर सकते हैं और कैसा टिफ़िन यूज़ कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं टिफ़िन में। तो मैगी मैंने 3 पैकेट लिया है, 2 मसाला मैंने अब डाल दिया और 1 मसाला पैकेट मैं लास्ट में डालूँगी। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है, मैगी भी बॉयल हो चुका है फ्रेंड्स, देखिए। अब मैं इसे छान लेती हूँ। मैगी छान के मैंने इसका गर्म पानी निकाल दिया और मैगी को फिर से ठंडा पानी से मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि ठंडा पानी से वॉश करने से क्या होता है, मैगी हो या चाउमीन हो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाता है, नहीं तो एकदम गल जाएगा और गल जाने से बच्चों को पसंद नहीं आएगा खाने में। अब मैगी और सब्ज़ी को मैं एक साथ मिलाऊंगी और फिर मैं इसे सर्व कर दूंगी। आप चाहे तो उसमें सॉस भी डाल सकते हैं। जो 1 पैकेट मसाला रह गया था वो मैंने कहा था ना लास्ट में डाल दूंगी, तो अब मैंने डाल दिया ये। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैगी रेडी हो गया है, एकदम प्लेन वेज और प्रोटीन से भरा हुआ मैगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यह स्टील का टिफ़िन है, अंदर से स्टील और बाहर से प्लास्टिक। एक्चुअली बाहर से ये प्लास्टिक भी नहीं है, लाइलन टाइप का, देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाना आप जो भी खाना दे उसमें गर्म रहता है। दरअसल हम मैगी स्कूल में इसीलिए नहीं देते, क्योंकि स्कूल में या कॉलेज में देने से क्या होता है, मैगी जो है वो ठंड हो जाता है तो बच्चे खा नहीं पाते, स्टिकी टाइप हो जाता है। लेकिन इस तरीके से देने से बच्चे बहुत खुश होंगे। मैं ऐसे रोज़ देती हूँ, हफ्ते में 2-3 दिन, और बच्चों की बहुत पसंद आता है।
अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी, दो चम्मच दे दूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैगी आप भी बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं, सुबह शाम नाश्ते में भी दे सकते हैं और कभी कभी टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और ऐसे टिफ़िन रेसिपी मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर करूँगी, मैं कैसे अपने बच्चों को देती हूँ। और मेरी बेटी जो है वो कॉलेज में जाती है, तो वो सुबह 7 बजे जाती है और शाम को 5 बजे लौटती है, तो इसीलिए उसको मैं ये ऐसे इस तरीके का कुछ देती हूँ ताकि उसको भरपूर प्रोटीन भी मिले और वेज भी मिले और उसको भूख भी ना लगे। साथ में मैं फ्रूट्स भी देती हूँ। तो यहाँ हमारा टिफ़िन रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरा रेसिपी कैसा लगा और मेरा टिफ़िन आइडिया कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं ऐसे नए नए रेसिपी के साथ, नए नए टिफ़िन आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।